Good morning, dear friends, and greetings in the name of Jesus Christ, for this is a brand new day. सुप्रभात मित्रों, और आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन और स्वागत करता हूं, और एक नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया. God in his faithfulness and in his mercy has given us another day to live and glorify his name. और परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह और दया में हमें एक और नया दिन दिया है ताकि हम उसकी महिमा के लिए जीने पाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं. Let us spend just a few minutes in the presence of God and listen to his voice before we begin this day and face its challenges. और इससे पहले कि हम इस दिन की चुनौतियों का सामना करें, होने दे कुछ क्षण लेकर के हम कुछ समय को परमेश्वर की वाणी और वचन को सुनने में दें. Our meditation is centered around a parable that Jesus used in the Gospel according to St. Luke chapter 18 verses 1-8. और हमारी आज सुबह का मनन हमने लिया है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय एक वचन से लेकर के 8वें वचन तक, जहां पर हम एक आधर्मी न्यायाधीश के दृष्टांत को पाते हैं. Now, our God is amazingly great. और याद रखिए, हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है. Imagine such a God as we have, the Almighty Great God, the Creator, to have a plan and purpose for each one of our lives. और सोचिए इस बारे में कि कितना अद्भुत और कितना महान परमेश्वर है जिसके पास अद्भुत और बड़ी योजनाएं हमारे जीवनों के लिए हैं. And he also is concerned that as his followers, we fulfill his plans and purposes for all of us. और वो इस बात की भी चिंता करता है कि उसके अनुयायी होते हुए हम उसकी योजना और उसके उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा करने पाएं. And thus bringing glory and honor to our Lord and Savior and King Jesus Christ the Lord. और इसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीहा के नाम को हम महिमा देने पाएं. He also knows that the only way we as his followers can fulfill and accomplish this is to learn to be consistent and diligent in prayer. और वो जानता था कि उसके अनुयायी होते हुए अगर हम इस बात को पूरा करना चाहते हैं तब ये तभी संभव है जब हम अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर और सावधानी के संग प्रार्थना को करते हैं. So before you go any further, let us listen to this parable recorded by evangelist Luke, and it will be read in Hindi. और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम इस दृष्टांत को जो लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में पाया जाता है पढ़े. फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा. किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था. उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ कर कहा करती थी, मेरे न्याय चुका कर मुझे बचा ले. कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन ने विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों को कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे. प्रभु ने कहा, सुनो, यह धर्मी न्यायी क्या कहता है. इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा. तो भी मनुष्य का पुत्र तब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? Now, Jesus used this parable to impress upon his disciples to understand one truth.
और यीशु मसीह ने इस दृष्टांत का प्रयोग अपने चेलों पर एक बात को समझाने के लिए किया। That it is not only important that we understand clearly God's plans and purposes for our personal life। कि ये सिर्फ इतना जरूरी ही नहीं है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन के बारे में समझें और जानें। But it is more important that we fully accomplish the divine plans। लेकिन ये और ज्यादा जरूरी है कि हम इन स्वर्गीय विचारों और योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करें। His plans and his purposes for your life and my life। और उसके वो योजनाएं और उसकी वो शिक्षाएं और वो विचार जो आपके और मेरे लिए हैं। Keep in mind that a parable is meant to teach or express a concept with a descriptive word। और याद रखते हुए इस बात को कि एक दृष्टांत का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देना कोई चाहे या उसका वर्णन और अद्भुत और अच्छी रीति से करना चाहे। So that the hearer can learn a specific lesson। ताकि सुनने वाले जो एक सिद्ध शिक्षा है उसे सुनने और समझने पाए। Now in this parable, Jesus is simply making a point about faith and persistence। और इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इस बात को बताता है कि कैसे विश्वास और बार बार ऐसा विश्वास करना कैसे चीजों को बदलता है। And faith and persistence in our prayer। कि कैसे विश्वास और हियाव जब हमारी प्रार्थनाओं में आता है तो चीजें दिखती हैं। And this widow's prayer is a very good example। और इस विधवा की प्रार्थना एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। Example to follow in the matter of effective prayer। एक उदाहरण कि हम इस कैसे अद्भुत और अच्छी प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं। Now I simply want to mention five things to keep in mind when we are desperate for something for which such prayer is the only way। और इसलिए आज की सुबह मैं बताना चाहता हूँ पांच बातों के बारे में जिनके लिए हमें ध्यान रखना है जब हम उनको पाने के इच्छुक या लालसी होते हैं तब हमें कैसे और क्या करना चाहिए। So number one, पहली बात, notice her prayer। उसकी उस विधवा की प्रार्थना को देखें। She had a very clear goal। उसका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट और था। And her prayer was focused। और उसकी प्रार्थना केंद्रित थी। And it was focused on that one thing she wanted। और उसकी प्रार्थना सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित थी। What was that? उस वो प्रार्थना वो क्या था? Avenge my enemy। कि मेरे दुश्मन या मेरे शत्रु से बदला लो। That was her need। और वही उसकी आवश्यकता थी। She did not go all around bushing around the beating around the bush and going all over the places and then try to come back to the point। और उसने ऐसा नहीं किया कि वो गोल-गोल घुमाकर बातें करे और फिर बात पर आए। She just had one request। उसके पास सिर्फ एक ही अनुरोध था। And she came to the judge with that one request। और उस न्यायाधीश के पास वो उसी उद्देश्य या उसी अनुरोध को लेकर के आई। Her focus was that one point। और उसका केंद्र सिर्फ एक ही वो बिंदु थी। So she said, "You are influential। कि तुम प्रभावशाली हो। You are the judge। और तुम न्यायाधीश हो। You are powerful। और तुम्हारे पास सामर्थ्य है। And you are able। और तुम योग्य हो। And you are highly influential। और तुम बहुत ऊंचे स्थान पर प्रभाव को रखने वाले। And you are qualified। और तुम योग्य हो। And she did not waste any time by mentioning all these things। और ऐसी सारी बातों को कहने के द्वारा उसने समय व्यर्थ नहीं किया। No। And when we make a request to God before the real request is made, they go all around, we go all around the bush and we try to tell so many things to God and about ourselves
before we come to the point. और हम क्या करते हैं जब हम एक अनुरोध को या प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तब हम पहले उस अनुरोध को उसके सामने नहीं लाते, लेकिन घुमा घुमा कर हर एक दूसरी बात को बताते हैं और अंत में अपने प्रार्थना विनती को रखते हैं. She did not start saying you are this, you are that, and you are powerful, so you can do. No, she came to the point. Avenge my enemy. लेकिन उस विधवा ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करी कि वो गोल गोल घुमाकर बात करती, लेकिन बड़ी सीधी रूप से उसने इतना कहा कि मेरे शत्रु से बदला, मुझे बदला दे चुकाओ. Just three words. सिर्फ तीन शब्द. Let us remember, when we pray, let us have one specific one or two, whatever prayer you make. Just focus on that particular point and nothing else. और इस बात को आप भी याद रखिए कि जब कभी भी आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उस बात पर अपने प्रार्थना को केंद्रित रखिए. There are several prayers in the Bible where we read that. और बाइबल में या पवित्र शास्त्र में भी ऐसी कई सारी प्रार्थनाएं हैं जहां हम इस बात को पढ़ते हैं. When Peter was drowning, जब पतरस डूब रहा था, he also used only three words in prayer. तब उसने भी तीन शब्दों को प्रार्थना में प्रयोग किया. Lord, I am drowning. प्रभु, मैं डूब रहा हूँ. That's all. सिर्फ इतना ही. That is a very focused prayer. और वो एक केंद्रित प्रार्थना को दर्शाती है. And when Martha and Mary send a message to Jesus. और जब मार्था और मरियम ने यीशु के लिए एक संदेश को भेजा. They simply said. उन्होंने सिर्फ इतना कहा. Lord, प्रभु, the one whom you love. Is sick. उसको जिससे तू बहुत प्रीति या प्रेम रखता है वो बीमार है. That's all they said. सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा. Be focused on your prayer. इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में आप केंद्रित रहें. All other things God knows. सारी दूसरी बातों को तो परमेश्वर जानता है. Even your request God already know. और आपकी विनतियों को भी परमेश्वर पहले से जानता है. But then he delights to hear it from his followers. लेकिन वो प्रसन्न होता है जब आपके मुख से आपकी विनती और निवेदनों को सुनता है. The second thing I want you to notice is. दूसरी बात है जिस पर मैं चाहता हूँ आप ध्यान रखें. She had a very simple prayer. उसकी प्रार्थना बड़ी साधारण थी. She did not search for bombastic literary words. और उसने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया. She told the judge. उसने न्यायाधीश से कहा. You are the judge. कि तू न्यायाधीश है. So and you are qualified to do my request. और तू योग्य है कि मेरे अनुरोध को पूरा कर दे. Avenge my enemies. मेरे शत्रु से मुझे बदला दिला. A very simple prayer. एक बहुत ही साधारण प्रार्थना. And what we do is we make our prayer time so complicated, and because we think we are going to impress God by our bombastic words and then descriptions and all these sort of things. और कई बार लेकिन हम इसका विपरीत करते हैं कि अपनी प्रार्थना विनतियों को रखने से पहले हम बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं. The third thing that we notice is. तो तीसरी बात हम देखते हैं. She was very persistent. वो बार बार इस प्रार्थना को लेकर, इस विनती को लेकर उस न्यायाधीश के समक्ष आती. She did not stop after two or three times of prayer. वो दो या तीन बार उस प्रार्थना को करके या अनुरोध को करके रुकती नहीं. She kept at it. लेकिन वो तो बार बार उस न्यायाधीश के पास. Day after day. हर दिन. She was at the gate of the judge. वो तो उस फाटक पर न्यायाधीश के खड़े हो जाती. And she would not get tired. और वो इस बात को करने से थकती नहीं. At last, by hearing the voice of this woman, the judge got so upset and he got so irritated and he got so worn out. और अंत में इस न्यायाधीश ने बार बार इसकी वाणी और अनुरोध को सुनकर कि वो इतना थक गया, इतना परेशान हो गया. But she would not give up. लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी. Be persistent if you want something from the Lord. और इसीलिए आप भी बार बार प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखें जब आप किसी बात को परमेश्वर से पाना चाहते हैं. Why? क्यों? Because God wants to know how earnest you are. क्योंकि परमेश्वर तो ये जानना चाहता है कि कितना हियाव और लौ लगाकर आप प्रार्थना करते हैं. And if you are so, how desperate you are. और कितनी भूख आपके अंदर है. Because only when you are desperate and earnest, the answer, when it is given,
she will appreciate it and she will eternally be grateful and glorified. क्योंकि ये तो तब ही होगा जब आप बहुत भूखे हो अपने प्रार्थना के उत्तर के प्रति और उस उत्तर को बहुत जानना उस विनती अनुरोध के प्रति जानना चाहते हो तभी वो उत्तर देगा ताकि आप तृप्त होने पाए. So consistently be persistent. और इसलिए निरंतर रूप से बार बार मांगने वाले प्रार्थनाओं में बने. Don't give up. और हार ना माने. And fourthly, चौथी बात, she prayed in faith. उसने प्रार्थना विश्वास में प्रार्थना करी. Notice, the judge did not represent God. देखिए कि जो न्यायाधीश था उसने परमेश्वर को नहीं दर्शाया. He was a wicked man. वो तो एक दुष्ट मनुष्य था. He never feared God. उसने कभी भी परमेश्वर का भय नहीं माना. And don't even give any respect to any man. और किसी मनुष्य को भी कभी कोई आदर या सम्मान नहीं दिया. But the widow knew that if there is one person in the world who can answer my prayer, it is this judge. लेकिन वो विधवा जानती थी अगर संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे बचा ले और उसकी विनती अनुरोध को सुन ले वो ये न्यायाधीश ही है. She believed in the ability of the judge to meet her request. और वो जानती थी उसने विश्वास किया उस न्यायाधीश की योग्यता पर कि वो उसे न्याय दिलाएगा. He can do it. और वो कर सकता है. And so I will approach him and he may be worn out. मैं उसके पास बार बार, but I will not give up. और उसने कहा मैं इसके पास बार बार जाऊंगी भले ही थक क्यों ना जाए हार क्यों ना जाए. Very often why God delays our prayer. और कई बार क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में देर करता है. Because he knows we are not very earnest. क्योंकि वो जानता है कि हम लौ लगाकर प्रार्थना कर ही well, नहीं let me pray once or twice. लेकिन होने दे हम एक और दो बार प्रार्थना करते see हैं. What happens. क्या होगा. If God answer prayer, that is fine. अगर परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है what, तो अच्छा है. What does that mean? इसका क्या मतलब है. I am not very serious and sincere. मैं कोई गंभीर और सच्चा नहीं हूं अपनी प्रार्थना में. And God is not going to throw away his pearls, his gold among pigs. और याद रखिए परमेश्वर अपने मोतियों को सुअरों के आगे नहीं फेंकता. He wants to know how serious you are, how sincere you are and how earnest you are. वो तो ये जानना चाहता है कि कितना लौ लगाकर कितने गंभीरता के साथ और कितने सच्चे मनों के साथ आप प्रार्थना को कर रहे हैं. And lastly, और अंत में, she prayed with a burning desire. उसने एक जलती हुई इच्छा के साथ, जुनूनी इच्छा के साथ प्रार्थना की. And Jesus concluded the parable with these words. और यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को समाप्त किया ये कहते हुए. Verses 6, 7, and 8. और छठे, सातवें और आठवें वचन में. Where we read, जहाँ पर हम पढ़ते हैं. And the Lord said, "Hear what the unrighteous judge says." प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है. And will not God give justice to His elect? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा? Who cry to Him day and night? जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं. Will He delay long over them? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? मैं तुमसे कहता हूँ, वह परंतु उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? Now that is the problem. और यही समस्या है. Learn the lesson from this widow. इस विधवा से आप एक शिक्षा को लें. She would not give up her plea and she would not give up her faith. और वो अपने विनती को ना उस विनती को देने में ना पीछे हटती और ना ही अपने विश्वास में पीछे हटी. She had a complete faith in the ability and the authority of this judge. और उसके पास वो पूरा विश्वास था इस न्यायाधीश की योग्यता और इसके न्याय पर. So she persisted. और इसलिए उसने बार बार उसके पास गई. How much more can we have a faith in the ability and in the desire of our Lord God who is good to meet our need. तो कितना ज्यादा हमें अपने परमेश्वर की योग्यता पर निर्भर होना है जो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने में योग्य है. So let's be sincere. और इसलिए होने दे कि हम सच्चे बने. Let's be focused. हम केंद्रित बने.
Let us be simple. हम साधारण बने. And let us be persistent. हमें बार बार हम प्रार्थना करें. And let us pray in faith. और विश्वास में प्रार्थना करें. And let there be a burning desire in our hearts. और होने दे हमारे हृदयों में एक जनून हो प्रार्थना के प्रति, वो जलती हुई इच्छा. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. My friends, this is a great day. मेरे मित्रों, ये एक महान दिन है. Enjoy your life as a follower of Jesus और अपने जीवन का आनंद दे प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होते हैं. Our Lord and our God. हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर. We need the Holy Spirit. हमें आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता. Holy Spirit to enable us and aid us in our prayer. पवित्र आत्मा ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे और सहायता करे हमारी प्रार्थना. And be persistent. और हम बार बार मांगने वाले बने. Let the simplicity of our faith and our language shows we are earnest. और होने दे हमारे विश्वास और हमारी भाषा की साधारणता इस बात को दिखाए कि हाँ, हम सच में भूखे हैं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. आमेन. आमेन.